देख रहे हैं ससरी मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मैजिक दिखाया और जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे पहले हम मैजिक परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, उसके बाद उसका राज आपको बताते हैं। इस वीडियो में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। अभी इस मैजिक का राज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो और कैसे लोगों को हैरान कर सकते हो खाली कपड़े को हवा में उड़ा के। इसे आप कह सकते हो गोस्ट इल्यूजन मैजिक ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, गोस्ट इल्यूजन मैजिक ट्रिक्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी जादू में इंटरेस्ट रखते हैं, और इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी कोई नया मैजिक वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए और आप वो जादू सीख सके, मैजिक जान सके। ठीक है, तो चलिए बिना के आपको बोल शुरू करते हैं मैजिक। मैजिक का राज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने इस मैजिक को घर पे ही जुगाड़ करके तैयार किया है। अगर आप चाहो इसे मैजिक शॉप से खरीद सकते हो। कुछ इस प्रकार की खोपड़ी और एक हैंकी और एक वायर आपको मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का मैजिक शॉप पे प्रोडक्ट मिलता है, आप इससे इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। पर हम ठहरे जुगाड़ू आदमी, हमने इसे घर पे ही जुगाड़ करके बना लिया था। ठीक है, हमने क्या किया, एक मफलर लिया जो कि कुछ इस प्रकार का कपड़ा है आप लोगों के सामने, और ये कपड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटे हैंकी से नहीं होता है, इतना इनफ होगा, इतना कपड़ा काफी होगा, आपको इतना ही कपड़ा चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक लकड़ी ली और लकड़ी को इतना लंबा रखा और आगे जो है इसके स्पंज की बॉल लगा दी। ये बॉल स्पंज की है, आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो स्पंज जो होता है ना दोस्तों, जो गद्दे पे होता है या कुर्सी पे होता है, हमने उसको गोल आकार में करके इसके अंदर एक छेद कर दिया और इस लकड़ी को इस छेद के अंदर डाल दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अब हमारा हो गया गोस्ट इल्यूजन मैजिक ट्रिक तैयार। अब मैंने क्या किया था वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखा था, कुछ इस प्रकार से, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद मैंने कपड़े को फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से लाया था। आपको पता है मेडिसिन लोगों के पास कोट होते हैं, उसे कोट के अंदर आसानी से छुपा सकते हैं। मैंने कपड़े को कुछ इस प्रकार लाया था ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कपड़े के अंदर कुछ है। ठीक है, कपड़ा मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खोला और दिखाया कि कपड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। पर जब मैं ऐसे और ऐसे कर रहा था, तो मैंने ऐसे करके क्या किया, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ऐसे करके यहाँ पे जो लकड़ी है, यहाँ पे जो लकड़ी है ये वाली, मैंने क्या किया, ऐसे करते समय उस लकड़ी को जो है हाथ पे ले लिया कुछ इस प्रकार से, और ये सब कपड़े के पीछे हुआ जो आपको नहीं दिखा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बॉल आ जाती है। जैसे ही हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसा लगता है कपड़ा जो है ऑटोमेटिकली हवा में जा रहा है। देखो यहाँ पे बॉल है, आपको इसे कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करना होता है ताकि बॉल वगैरह ना दिखाई दे कुछ इस प्रकार से, और सामने से नहीं दिखाई देता है, आप स्टेज पे भी परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो सामने से आपको बॉल नहीं दिखाई देगा, और लास्ट में जब मैंने खाली दिखाया तो मैंने क्या किया, कपड़े के पीछे से इस डंडे को जो है कपड़े के पीछे ही ऐसे छोड़ दिया। मतलब मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ से छोड़ रहा हूँ, बट मैंने इसे ऐसे यहाँ पे ऐसे था और इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ये कपड़े के पीछे से ही नीचे गिर गया और आपको दिखाया कपड़ा एकदम खाली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गए आपकी समझ में ये ट्रिक। अगर नहीं आई तो कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप इसे प्रोफेशनली खरीदना चाहते हो तो एक इंसानी खोपड़ी जैसे दिखने वाली एक चीज आती है मैजिक शॉप पे, यहाँ पे आपको फोटो नजर आ रहा होगा, इसको आप खरीद सकते हैं। इसके साथ आपको तार भी मिल जाता है उसका, और उससे आप इससे भी अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने तो घर पे जुगाड़ करके बनाया, आप भी बना सकते हो। बट आप प्रोफेशनली अगर खरीदना चाहते हो तो इस प्रकार का एक मिलता है, आप इसे खरीद सकते हैं। एक मून भी आता है चांद की तरह, और एक इंसानी खोपड़ी भी आती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैजिक समझ में आ चुका होगा, आप इसे सीख चुके होंगे। और अगर आप जादू का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जादू का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, मैजिशियन बन सकते हैं, नाम एंड नाम कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हाँ, मेरे दूसरे चैनल एसएसए एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इस नाम को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके सीधा चैनल पे विजिट कर सकते हैं और एसएसए एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और मजेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।